हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज क्लिक मैथ्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे हम किसी भी नंबर्स को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में बात की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स की, जहां पर हमने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर की बात की है। अगर अभी तक आपने हमारी उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, पिछली सभी वीडियोस को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप भी लाभ उठा सके। तो चलिए बात करते हैं आज की, जहां पर है डिफरेंट नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स की। सबसे पहले जब हम बात करेंगे कि नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर शो कैसे करना है, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं वो राइट हैंड साइड होते हैं। जी हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर आपके वन से स्टार्ट होते हैं। दिस इज टू, दिस इज थ्री, फोर, फाइव एंड अप टू सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नेचुरल नंबर है थ्री और हमें उसे शो करना है नंबर लाइन पे, तो आपको इस टाइप से लाइंस बनानी है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो वन होगा एंड द गैप बिटवीन टू नंबर्स शुड बी सेम। हमने कहा कि आपको थ्री को शो करना है, सो दिस इज थ्री, दिस इज द थ्री नेचुरल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इतना ध्यान रखना है कि जब आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं और जो आप दो डिजिट को पुट कर रहे हैं तो गैप बिटवीन दीज टू पॉइंट शुड बी सेम। फॉर एग्जाम्पल वन टू के बीच में जितना गैप है, सेम गैप आपका टू और थ्री के बीच में होना चाहिए, सेम गैप आपका थ्री और फोर में होना चाहिए। तो यहां तो बात हुई है नेचुरल नंबर की, क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, सेम उसकी जो नंबर लाइन होगी वो भी वन से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें 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 होल नंबर्स को ड्रॉ करना है नंबर लाइन पे, तो जहां पर होल नंबर्स की बात करते हैं तो वहां पर क्योंकि होल नंबर हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, दैट इज ए नंबर लाइन फॉर होल नंबर। तो उस होल नंबर में आपका कुछ भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फाइव है जो बिलोंग करता है होल नंबर को और हमें शो करना है उसे नंबर लाइन पे। तो जब आप वहां पर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो यू शुड बी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, बिकॉज जीरो इंक्लूडेड इन द होल नंबर। तो वहां हमें फाइव को शो करना है, दैट इज ए फाइव, यू कैन इजिली शो विद द हेल्प ऑफ योर पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर्स। आई होप आप हमारे पिछले सभी वीडियोस को देख चुके होंगे जहां पर हमने बात की है इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर इंटीजर्स। तो यहां पर बात करते हैं कि इंटीजर्स की नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। बिल्कुल सिंपल है, हमें इस नंबर लाइन को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना है और यहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में सभी के सभी नेगेटिव पॉइंट्स को शो करना है। सेम थिंग यहां पर रिपीट होगी कि जो आपका गैप है वो जीरो और वन, वन और टू, और जीरो माइनस वन, माइनस वन, माइनस टू, मीन्स कितने भी आप नंबर लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आप गैप ले रहे हैं इन दोनों के बीच में, जितना भी डिस्टेंस आप ले रहे हैं दो पॉइंट्स के बीच में, वो सभी पॉइंट्स के लिए सेम होना चाहिए। राइट हैंड साइड में हम अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू इनफाइनाइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में हम अपने पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका नेगेटिव पोर्शन होता है और राइट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव पोर्शन होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इंटीजर की। फॉर एग्जांपल आई हैव टू शो माइनस टू, जो आपके पास एक इंटीजर्स है, क्योंकि माइनस टू बिलोंग करता है कैपिटल जेड। आई होप यू रिमेम्बर दिस इज कैपिटल जेड, डब्ल्यू एंड कैपिटल एन आर ऑल द फैमिलीज ऑफ द डिफरेंट नंबर्स। सो यहां पर माइनस टू कहां पर है, यहां पर माइनस टू जो है वो यहां पर है, तो हमें सिर्फ इसको हल्का सा डार्क करना है और शो करना है कि दिस इज ए पॉइंट। कई बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि आपको शो करना है ए इज इक्वल टू माइनस टू, बी इज इक्वल टू फाइव। सो जस्ट आपको वैसे ही शो करना है जैसे हमने अभी किया है, लेकिन आपको इन पॉइंट्स के नेम देने हैं, दैट इज दिस इज ए, बी इज इक्वल टू फाइव, सो दिस इज बी। तो किसी भी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का जब
तरीका होता है, मेथड होता है करने का, वो सेम रहेगा। आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, किस टाइप से नंबर लाइन आपको ड्रॉ करनी है वो डिपेंड करता है कि आपके पास जो नंबर्स हैं वो किस फैमिली से लिए गए हैं। सेकेंड थिंग, आपका जो गैप है दो पॉइंट्स के बीच में वो सेम रहना चाहिए। थर्ड, जस्ट आपको नंबर को शो करना है कि वो कौन से नंबर की हमें हमसे पूछ रहा है। दैट्स इट। नेक्स्ट वन है आपके पास रैशनल नंबर। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 5, 6, 7 दैट इज ए होल नंबर, कंप्लीट नंबर, नेचुरल नंबर, इनको नंबर लाइन पे शो करना बहुत ही इजी होता है। लेकिन बात आती है जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, तो हम कैसे शो कर सकते हैं। यहाँ पर हम दो टाइप्स के क्वेश्चंस लेते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास रैशनल नंबर है वहां पर हमारे पास है दैट इज द 5/8 मीन्स वहां पर न्यूमिनेटर हमारे पास है लेस देन डिनोमिनेटर। सेकेंड नंबर जो हमने लिया है दैट इज 3/2 जहां पर हमारे पास जो न्यूमिनेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर। तो दोनों केस में जो आपकी नंबर लाइन का मेथड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट 5/8 की। स्टूडेंट्स, जहां पर हमारे पास होता है न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये हर नंबर्स की बात कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर 5/8 की बात मैं यहां पर नहीं कर रही हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास है 19/20, मेरे पास है 77/80। सो जहां पर भी आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जहां पर आपके पास न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है, तो आपको ये चीज वहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए। दैट मीन्स ये आपके पास होती है प्रॉपर, राइट। यहाँ न्यूमिनेटर आपका लेस देन डिनोमिनेटर, दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल नंबर, व्हाटएवर यू कैन से। तो यहाँ पर आपको क्या कहना है, यहाँ पर जो आपका रैशनल नंबर होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है 0 और ये हमारे पास है 1। बिकॉज यहाँ पर जो न्यूमिनेटर है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, इट मीन्स हमेशा आपके जहां पर भी नंबर्स होते हैं न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब इस सेकेंड क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा ये 5/8 0 और 1 के बीच में कहां पर लाई करता है। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर क्या है। जस्ट चेक व्हाट इज द डिनोमिनेटर फॉर दिस नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है a, तो आपका जो सबसे पहला काम है दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड द पार्ट 0 and 1 इंटू 8 इक्वल पार्ट। एग्जैक्टली, आपको इस पार्ट को जो 0 और 1 के बीच में लाई करता है दिस डिस्टेंस, आपको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। चलिए करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 So just you have to divide this 0 and 1 distance into 8 equal parts. ये आपके जितने भी parts हैं, 8 part हैं, ये सब आपके equal distance होना चाहिए हर किसी part के बीच में। अभी हमें पता करना है कि ये 5/8 कहाँ पर है। Just start from this. ये आपका जो नंबर है वो 1/8 होगा, सेकेंड नंबर आपका 2/8 होगा, इसी तरह से आपका जो थर्ड नंबर है वो 3/8 होगा, ये 4/8 और दिस इज द 2000 years later 5/8, 6/8, 7/8 एंड दिस नंबर इज 8/8, दैट मीन्स दिस इज 1। तो आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से 0 से स्टार्ट करना है। आपका क्या न्यूमिनेटर है आपको सिर्फ वो काउंट करना है, दैट पार्ट इज योर। इसी क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं 7/8 की, तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस 7 तक काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो दैट इज योर 7/8। तो ये तो बात थी कि जब हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा है जहां पर न्यूमिनेटर हमारे पास लेस देन डिनोमिनेटर है, तो हमें एक चीज क्लियर होती है कि वो जो नंबर है वो हमारा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जस्ट आपको डिनोमिनेटर के को चेक करना है, उतने ही इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, एंड यू कैन इजिली डू दिस। अभी बात करते हैं सेकेंड की, जहां पर हमारे पास न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा आता है, दैट इज अ इम्प्रॉपर वे में आता है। तो सबसे पहला जो आपका उसमें काम होता है वो आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है।
आई होप यू नो हाउ कैन वी चेंज दिस फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन। और ये बात मैं सिर्फ आपको पॉजिटिव केस में ले रही हूँ, लेकिन सेम चीज आपको नेगेटिव केस में भी ले सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है -3/2, तो आपको सेम करना है। सबसे पहले आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, दैट इज 2 1s are 2, सो व्हाट दिस इज इक्वल टू 1 1/2। तो चलिए पहले बात करते हैं हम पॉजिटिव, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेगेटिव को लेकर। तो यहां पर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया एंड वी गॉट 1 1/2। अभी जो आपके पास ये होल नंबर है दैट इज 1, ये आपको क्या शो करता है? ये हमें शो करता है फॉर एग्जाम्पल दिस इज 1 एंड दिस इज 2, लेट्स टेक। आप इसको पूरा भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 एंड हियर इज द नेगेटिव नंबर। ओके, सो 1/2 दिस होल नंबर आपको बताता है कि अगर ये होल नंबर 1 है, इट मींस आपका ये नंबर 1 एंड व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 1, दैट इज 2। सो इट मींस दिस नंबर आपका जो लाई करेगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर यहाँ पे 2 होता तो इसका मतलब वो नंबर आपका 2 और 3 के बीच में लाई करता है। मींस जो भी आपको होल नंबर मिल रहा है उससे नेक्स्ट जो भी नंबर है वो नंबर उन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करेगा। सेकेंड थिंग, जी हमें पता चल चुका है कि ये नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर होल नंबर 1 है एंड सक्सेसर ऑफ 1 is 2, दैट्स क्लियर। सेकेंड थिंग, वट इज दिस फ्रैक्शन 1/2, सेम थिंग, दैट इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। 1/2 आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, तो आपको क्या करना है? सेम जो हमने पहले क्वेश्चन में किया, आपको चेक करना है वट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। यहाँ पर डिनोमिनेटर आपका 2 है, इसका मतलब आपको इस 1/2 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यस, नाउ वट इज द न्यूमिरेटर, दिस इज 1, सो जस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज द 1/2। That means this point, ये जो हमारे पास point है ये हमारा 1 1/2, that means 3/2 है। तो है ना, बहुत ही सिंपल, जस्ट आपको ध्यान में रखना है आपका न्यूमिरेटर क्या है। सेम केस अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेगेटिव नंबर होता, लेट्स टेक -3/2, तो आपको सेम स्टेप्स करने थे -1 1/2। वहां पर जो हमारे पास जो ये नंबर्स हैं, जो नंबर लाइंस पे आप ड्रॉ कर रहे थे, वो -1 और -2 के बीच में लाई करता। अदरवाइज आपके सभी के सभी स्टेप्स जो होंगे वो सेम होंगे। सेम यहां पर अगर -5/8 होगा, तो ये नंबर आपका जो नेगेटिव है ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। बाकी के स्टेप्स आपके सेम रहेंगे। यू हैव टू डिवाइड 0, द डिस्टेंस बिटवीन 0 to -1 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स, और वहां से आपको 0 से -1 की तरफ काउंट करना है जो भी आपका फिफ्थ पार्ट है, दैट इज द -5/8। इन शॉर्ट मेथड आपका सेम रहेगा, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव नंबर है। आई होप यू अंडरस्टूड कैसे किसी भी नंबर्स को आप नंबर लाइंस पे ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो या इरैशनल नंबर हो। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि रियल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, अगर ये वीडियोस आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही हो तो। प्लीज नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है इससे भी बेटर वीडियो लाने के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।